अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। रमज़ान इतना अच्छा गुजर रहा है और देखें लास्ट रोज़ों में भी बारिश लग गई है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जाने लगी हूँ स्कूल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ पोटैटो कॉर्नफ्लोर बॉल्स और स्टिक्स भी बनाऊंगी। तो आप लोगों के सामने ये मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया। अब इसको हम करेंगे मैश अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। तो ये हो गए हैं मैश, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर जो है ये देखिए ये वाला है, और कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऑलमोस्ट ऐड करना है 1 स्पून एंड हाफ स्पून, ठीक है। ज्यादा हो गया बस। अब इसमें साथ साथ जो मसाले हैं वो मैं ऐड करूंगी। ये आप लोगों के सामने मसाले भी हैं, ठीक है। मसाला फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूंगी इसमें दलिया मिर्च, ठीक है। दलिया मिर्च होगी ऑलमोस्ट 1 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून, यानी 1 1/2 टीस्पून मैंने अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मैंने इसमें साल्ट भी ऐड किया है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ खुश धनिए का जो पाउडर है वो, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, एंड हाफ टी स्पून इसमें मैं बल्कि 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऐड कर ली हैं, ये देखें। इसको अब करेंगे हम अच्छे से मिक्स, इसको मिक्स करेंगे। ऐसे करके अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। तो इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है, ये देखें अच्छे से गूंद लिया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो अब मैं इसके बॉल्स और स्टिक्स भी बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये लिया, बॉल्स बनाने के लिए आप इसको जितना आप बड़ा बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही है, यानी अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप अपने जिस तरह आप साइज इसका चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। मैं इतना साइज चाहती हूँ तो मैं इतना ही लूँगी, ठीक है। ऐसे हम बाकी सारे बॉल्स भी बना लेते हैं। पोटैटो कॉर्न बॉल जो हैं वो रेडी हो गए हैं, अब हमने इसकी स्टिक्स बनानी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी चाहें, मतलब मर्जी के मुताबिक इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अब मैंने इसको स्टिक बनाना है, तो ये देखें ऐसे करके, ये देखें जैसी आप चाहें जितनी बड़ी आप चाहते हैं करें। एक बड़ी बना लें उसके फिर पीसीस कर लें वो भी अच्छा है, इक्वल हो जाएगी ना ऐसे। तो ये इसके भी हम फर्दर पीसीस कर लेते हैं, ठीक है। इस साइज की काफी होंगी, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली स्टिक, एक ये और एक ये वाली स्टिक। फर्दर अब इसी तरह की मैंने बाकी सारी स्टिक्स भी बनानी है, ठीक है। साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखें,
पोटैटो कॉर्न स्टिक्स भी रेडी हैं, पोटैटो कॉर्न बॉल्स भी रेडी हैं, आप जो चाहें बना सकते हैं। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो बस हमारी छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसको फ्राई करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो पोटैटो कॉर्न बॉल्स, पोटैटो कॉर्न स्टिक्स दोनों रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने मज़े के ये लग रहे हैं भाई, इसकी आउटर जो लेयर है वो इतनी क्रंची सी है और अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे, इतने यमी से होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। If you like my video, hope you all like my video. Comment. Don't forget like, share, comment and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.